गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार महादेव तालाब रोड के तारा तालाब में गुरुवार को एक युवक का शव तैरता हुआ पाया गया। युवक की पहचान वहीं के रहने वाले डब्लू मारिक के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही तालाब के पास भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद मृतक के भाई व स्थानीय लोगों के सहयोग से युवक के शव को तालाब से निकाला गया और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। मौके पर परिजन ने बताया कि मृत युवक कबाड़ी का काम करता था और अत्यधिक शराब का सेवन करता था, जिसके कारण वो नशे की हालत में रहता था। संभावना जताई जा रही है कि नशे की हालत में ही यह तालाब में गिर गया होगा। क्या हुआ घटना? हम लोग का पता नहीं, हम लोग का कोई बच्चा आके बोला कि देखिए आपका लड़का जो है से पानी में डूबा हुआ है। तो हम लोग ये तो देखते हैं कि पानी में जरा जरा हल्का हल्का चेहरा दिख रहा था। कब निकला था? वही बोले तो दिखवे नहीं, बच्चा लोग आके बोला तो 1 बजे हमको पता चला। नहीं, कब निकला था घर से? वो घर से 6 बजे 4 बजे भोर ही निकला था जी। उसका 6 बजे मोड़ पर चाय पी लिया, ठीक है। उसके बाद मतलब घर 1 बजे हम लोग का ये बच्चा लोग आके बोला कि पानी में डूबा हुआ। क्या काम करता था वो? मतलब ऐसे ही कबाड़ी वाला काम कर रहा था, फिर जाता। क्या नाम था? डब्लू मरी। पिताजी का नाम क्या? पिताजी का नाम शाम सुंदर मरी। आपको 1 बजे पता चला? हाँ, 1 बजे पता चला। चलो ठीक।